अब अपनी आंखें खोल सकते हैं। पता है ना वो लड़की कौन है? मैं जानती हूँ। अर्चना, मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी का पल उसी वक्त था जिस वक्त मुझे तुमसे प्यार हुआ था। मेरी खुशियां तुम्ही से हैं और रहेगी। मेरी जिंदगी खुशी आपसे थी, आपसे है और आप ही से रहेगी। अब दवाई का वक्त हो गया, दवाई ले लीजिए। So, how are you, Mr. Deshmukh? बेटा, एक गुड न्यूज है आपके लिए। आज हम आपको यहाँ से डिस्चार्ज कर रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर। बस कुछ दवाइयाँ रेगुलरली लेनी होगी और कुछ टेस्ट करवाने के लिए आपको यहाँ पीरियोडिकली आना होगा। मिसेस देशमुख, आप आइए मेरे साथ, मैं आपको दवाइयों के लिए समझा देता हूँ। आइए जी। मानव, मैं आई हूँ। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। मेरी परी आज अपनी आजी के घर जाएगी, है ना? वहाँ सब मेरी परी को कृष्णा कहेंगे। सब परी का वेट कर रहे होंगे। आहा, अर्जुन, तुम सही कह रहे थे। मेरी लापरवाही की वजह से ही वो डील हमारे हाथ से चली गई। हमारा करोड़ों का नुकसान हुआ है। हाँ, करोड़ों का नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसे कैसे? उर्फी मेरी पत्नी है, मुझे उससे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। अगर मैं मीटिंग के लिए नहीं जा सकी तो एटलीस्ट मुझे क्लाइंट से खुद बात कर लेनी चाहिए थी। वो फोन पर भी मुझसे बात कैसे करती? उसे कहाँ पता था कि मैं गोवा में हूँ? मैं बेवजह इतना डांट दिया उसे। मुझे अर्जुन से माफी मांग लेनी चाहिए। गलती मेरी है, मुझे पूर्वी से माफी मांगनी चाहिए। गीता, जरा परी का ध्यान रखना, मैं अभी आती हूँ। I'm sorry. Actually, मुझे इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। मैंने बेवजह तुम्हें इतना चिल्ला दिया। नहीं, I'm sorry अर्जुन, मैंने मीटिंग को कुछ ज्यादा ही लाइटली ले लिया। नहीं, एक्चुअली गलती मेरी भी है, मैंने आई थिंक थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया। I'm sorry. It's okay. बता, आई ने मुझे क्या बताया था? क्या? आई ने मुझसे कहा था कि एक पति पत्नी को पहले एक अच्छा दोस्त होना जरूरी होता है। और अर्जुन, हम दोनों तो इतने अच्छे दोस्त हैं, फिर भी हमने झगड़ा किया। या, इस तरह झगड़ा नहीं करना चाहिए। नहीं। Okay, you know what? हम आज के बाद ऐसे झगड़ा नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। तो हम दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि हम अब कभी झगड़ा नहीं करेंगे। कभी झगड़ा नहीं करेंगे। और हमारे रिश्ते को प्यार और दोस्ती से आगे बढ़ाएंगे। I promise. आज के बाद हमारा रिश्ता एक कदम और आगे बढ़ेगा। अर्जुन, हमें आई के यहाँ जाना है, वहाँ जन्माष्टमी की पूजा है, तो तुम भी तैयार हो जाओ और मैं भी तैयार हो जाऊँ, ठीक है? Okay. एक सेकंड। अर्जुन, क्या कर रहे हो? हो जाएंगे ना रेडी। अर्जुन, ये देर बाद। प्लीज ना रेडी। जयराम जी की मैडम जी, हमारे बाबा की रिपोर्ट तैयार है का? तुम्हारे बाबा मतलब? हमारा मतलब मानव देशमुख की रिपोर्ट तैयार है का? ओके सर, एक मिनट, मैं चेक करके बताती हूँ। तो हम? अरे अनिल बाबू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बाबा को तो कब का डिस्चार्ज मिल गया? हाँ, वो तो मिल गया, लेकिन हम रिपोर्ट लेने आए हैं।
उकाया जन्माष्टमी के जश्न के लिए सब घर पे तैयारी कर रहे हैं, तो हमरे को आना पड़ा। अच्छा सर, उनकी रिपोर्ट्स रेडी है, बस थोड़ी देर में वार्ड बॉय लेकर आएगा। अरे मैडम जी, कहिए जल्दी लेके आए, हमरे को दही हांडी फोड़ने जाना है। जी ठीक है। अरे अनिल बाबू, आप भी आइए ना दही हांडी फोड़ने। अरे का त्योहार होबत है, नाश्ते गाते लोग ये ऊंची लगी हुई हांडी ऊपर चढ़ के फोड़ना होता है उको। और जब ऊपर जाते हैं वो नारियल हाथ में आता है ना, ऐसा लगता है जैसे दुनिया जीत ली हो। अब्बल थे बिहार में। अच्छा तो बड़ी अच्छी बात है। एक्चुअली मुझे भी बहुत खुशी होती अगर मैं तुम्हारे साथ आ पाता तो, लेकिन क्या है ना, मैंने अभी अभी हॉस्पिटल ज्वाइन किया है और आज तो मुझे दो दो ऑपरेशन करने हैं, तो अफसोस मैं नहीं आ पाऊंगा। अरे कोनो बात नहीं अनिल बाबू, पहले काम बाकी सब बाद में, हमारा भी यही उसूल है। चलो बेस्ट ऑफ लक फॉर कॉम्पिटिशन। धन्यवाद। अब ऑनर यहाँ है, इका मतलब गौरी भी आज काम पर आई होगी, इका मतलब वो हमारे साथ तई आंडी में शामिल नहीं हो पाई। ओ, मैडम जी, डॉक्टर गारी का है? वो आज नहीं आई है, वो आज छुट्टी पर है। हाँ मिस्टर संदीप, आपके लिए गुड न्यूज है, आपको डिस्चार्ज किया जा रहा है, आप घर जा सकते हैं। एक मिनट, डॉक्टर गौरी कहाँ है? मेरा केस तो डॉक्टर गौरी हैंडल कर रही थी ना। अभी वो दूसरा केस हैंडल कर रही है, मैं आपका डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाती हूँ, आप घर जा सकते हैं। ओके हाँ मित्तल अंकल। संदीप, तुम्हारा केस लड़ने के लिए लॉयर मिल गया। जी देशमुख, सचिन देशमुख नाम है उसका। बट अंकल आपने उसको केस की सारी डिटेल्स तो बता दी है ना? हाँ मैंने सब बात कर ली है, डोंट वरी। उसे थोड़ा ज्यादा पैसों का लालच दे के पटा ली। अच्छा वो अभी तुमसे मिलने आएगा तो तुम बात कर लेना, ठीक है? ओके अंकल। हाँ अरे सचिन दादा, यहाँ क्या कर रहे हैं? रिपोर्ट लेने तो हम आए हैं ना। Are you Mr. मानव देशमुख सन? मतबल? आप मिस्टर मानव के बेटे हैं? जी। ये लीजिए आपके बाबा की रिपोर्ट। धन्यवाद। ओके। पूरी? पूरी तुम्हें नहीं लगता कि एक साल में कितनी सारी चीजें बदल गई? मतलब? मतलब ये कि पिछले साल दही हांडी पे ये दही हांडी बाबा के साथ मैं फोड़ रहा था, याद है? तुम्हारी चौल में आया था रहने, अपने आप को प्रूफ करने कि मानव बाबा अर्चना आई पूर्वी के लिए सबसे अच्छा लड़का मैं हूं। देखो आज यू माय लीगली वेडेड वाइफ। अर्जुन उस टाइम का भी अलग ही मजा था ना, तुम्हारा गैराज में काम करना और तुम्हारा मेरे लिए खाना लेकर आना। पूर्वी, सचिन दादा को देखा क्या? अब हाँ अभी अभी ऊपर गए। ठीक है दादा। मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। ये किस लिए? क्योंकि आज मेरे लिए बहुत खास दिन है, क्योंकि आज के दिन मुझे मेरे सोहम दादा वापस मिले थे। पूर्वी माफ कर दे हमरे को, थोड़ा अपहरण करके तोरे साथ। मैं जानती हूँ आपने मेरा अपहरण किया था, लेकिन मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया था। इनफैक्ट तब तो हम दोनों ही ये नहीं जानते थे कि हम दोनों का आपस में क्या रिश्ता है, लेकिन आपको पता है फिर भी मुझे आपके साथ बिताए हुए पल में ऐसा एहसास होता था कि हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।